सुपर डिलीशियस इजी खस्ता क्रंची मटर पफ पेस्ट्री। वाह, देखिए कितनी सुंदर इसके लेयर्स आए हैं। जानना चाहते हो कैसे बनाया हमने ये रेसिपी? चलिए तो फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल में ले लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम 4 चम्मच पिघला हुआ घी डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच अजवाइन हाथों पर क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से। इसका ऐसे गोला बनना चाहिए, तो ये परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें हम 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर इसका अच्छा सा एक डो बना देंगे। घी आप ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, 4 चम्मच इनफ है। ज़्यादा घी डालेंगे तो इसके पफ खस्ता बनेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। सो आपको 4 चम्मच ही घी डालना है। ये बन चुका है हमारा डो, देखिए कितना सॉफ्ट बन चुका है। इसे हम किचन काउंटर टॉप पर रख देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए। अब बनाते हैं हम स्टफिंग। इसके लिए मैंने पैन में ले लिया है 2 चम्मच तेल। इस तेल के अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जब जीरा फूल जाए अच्छी तरह से, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्ची के पेस्ट 1 चम्मच। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे तब तक इसका कच्चा स्मेल निकल जाए। अब लेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज 1/2 कप। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। इन मसालों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर। ये मटर मैंने उबाल लिए हैं और थोड़े से क्रश कर लिए हैं। और डालेंगे पनीर। पनीर भी मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। ये दोनों भी 1-1 कप के करीबन थे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर का पानी पूरा निकल नहीं जाता और मिक्सचर ड्राई नहीं बन जाता। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसे कर दीजिए अच्छी तरह से मिक्स और इसे कर लेंगे हम ठंडा। मिक्सचर ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे चीज़। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डालिए, स्किप करोगे तो भी चलेगा। और धनिया के पत्ते, इसे हम कर लेते हैं मिक्स। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच पिघला हुआ घी। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ऐसे पेस्ट बना लेनी है। सॉफ्ट पेस्ट बननी चाहिए आपकी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ था। इसे हम लंबा रोल कर लेंगे और इसे हम 8 पार्ट में अच्छी तरह से डिवाइड कर लेंगे। 8 से ज़्यादा गोले मत करिएगा, नहीं तो आपकी रोटियाँ बहुत छोटी और पतली बनेंगी। अब हमें इसे थोड़ा सा आटा लगाकर इसकी पतली सी रोटी बेल लेनी है। ये रोटी इतनी पतली होनी चाहिए कि आपका हाथ इसके अंदर से ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। हमारी रोटी बेलकर हो चुके हैं। अब हम प्लेट में डाल देंगे थोड़ा सा मैदा। ये देखिए रोटी कितनी ट्रांसपेरेंट और पतली है। इसके ऊपर हम ये रोटी रख देंगे और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, सब जगह पर स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे और हमारी दूसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह से आपको सारी रोटी बनाकर अगेन इसके ऊपर मिक्सचर लगाकर ये सारी रोटियां एक के ऊपर एक इसी तरह से आपको रख देनी है। अब आखिरी रोटी पर हम अगेन ये मिक्सचर लगाएंगे और इसके ऊपर आटा छिड़क देंगे। अब हमें इसे रोल कर लेना है, टाइट रोल करना है इसे। बिल्कुल भी लूज रोल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये पूरा निकल जाएगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसके एजेस जो है वो आपको बंद कर लेने हैं। इसे थोड़ा सा रोल कर दीजिए लंबा और अगेन इसके आपको 8 पोर्शन में डिवाइड कर लेने हैं। इस तरह से आपको ये गोला ले लेना है। देखिए कितने अच्छे लेयर्स है इसको।
और इसे हाथ से चपटा कर देना है, फ्लैट कर देना है। अब हम इसे आटे में डुबाएंगे सूखे मैदे में और इसकी अगेन रोटी बेल लेंगे। ये रोटी अभी आपको ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है। ये रोटी बेलकर हो चुके हैं। अब हम इसे कट कर देंगे इसके एजेस और इसे रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेना है। इस तरह से देखिए, आपको इसे इतना पतला बेलना है। अब हम ये जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें रख देंगे। आप जितना चाहे उतना मिक्सचर इसमें डाल सकते हो। पानी लगा देंगे एजेस में ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और तलते वक्त ये फूटे ना। अब हम इसके एजेस बंद कर लेंगे। हाथों से इसको अच्छी तरह से दबाइएगा, एक नहीं दो बार चेक कीजिए ताकि तेल में डालने के बाद ये फूटे ना। अब हम यहाँ पर फोक से इसके ऊपर डिज़ाइन कर लेंगे। इससे दो बातें होंगी, डिज़ाइन भी हो जाएगी और ये अच्छी तरह से सील भी हो जाएगा। ये बन चुका है हमारा पफ। ऐसे ही सारे पफ हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है तेल। तेल गरम होने के बाद आपको ये एक एक पफ इसमें डालना है और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर रही हूँ। आप बेक भी कर सकते हो ओवन में 180 डिग्रीज पर 15 टू 20 मिनट्स तक के लिए। इसे आपको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, फास्ट बिल्कुल भी मत रखिएगा। बीच बीच में इसे पलटते रहिएगा। दोस्तों, जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक आप मज्जूस किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाह, कितना सुनहरा कलर आया है। आप इसे सर्व कर सकते हो चटनी के साथ या सॉस के साथ। गर्मा गर्म इसे कीजिए एंजॉय।